और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व दो सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर विधायक चिरंजीव राय ने बताया बयान देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ये चलाया हुआ लोगों से जनसंपर्क अभियान है, डोर टू डोर जाकर जनता तक पहुंचाए जा रहे अपनी बात पहुंचाई जा रही है और कहा कि जनता से पूरा भरपूर प्यार मिल रहा है। तो 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से रेवाड़ी की सीट जीतकर रेवाड़ी की जनता उन्हें भेजेगी। देखिए और क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम जनसभा भी कर रहे हैं, डोर टू डोर का कार्यक्रम हमने पिछले 3-4 दिन से चला रखा है। शक्ति नगर हम लोग गए और उसके बाद कल सेक्टर हमारा वार्ड 10 में हुआ, आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, अपनी बात को पहुँचाएं, और जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि 1 अक्टूबर को एक एक वोट हाथ के निशान पर लगाकर 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पूरी विधानसभा में जितनी भी है उनमें सबसे ज्यादा वोटों से रेवाड़ी जनता मुझे जिताकर भेजेगी। बहुत ही मुझे लगता है एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है कि हम अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, इस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। मैं उसको कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ अपनी तरफ से। देखिए, हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभा भी कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर भी कर रहे हैं। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि 1 अक्टूबर तक रेवाड़ी का कोई भी ऐसा हमारा मतदाता ना हो जिसके तक मैं पहुंचूं ना, तो आने वाले समय में हमारी यही कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। देखिए, मैं